अध्याय और दुनिया में फैले कोरोना के खौफ के बीच ये गुड न्यूज, ये अच्छी खबर आई है अमेरिका से। और खबर ये है कि अमेरिका में कोरोना के को टैकल करने के लिए, उसके इलाज के लिए वैक्सीन जो तैयार की जा रही है उसका पहला स्टेज का टेस्ट कर लिया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो इसके नतीजे काफी पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहे हैं। कोरोना पर गुड न्यूज, जल्द मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका कोरोना हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। 150 से ज्यादा देश इस वायरस की चपेट में हैं और हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन अब जल्द ही इस वायरस का इलाज मिल सकता है। अमेरिका में वायरस से निपटने के लिए बनाई गई वैक्सीन का परीक्षण हो गया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सोमवार को कोरोना वायरस के पहले टीके का पहला परीक्षण किया। अमेरिका के सिएटल में एक महिला को पहली बार कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history. Not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising results, early results, but promising. सिएटल के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक चिकित्सा कर्मी ने कोरोना वायरस का टीका एक महिला को लगाया। जेनिफर हेलर नाम की ये महिला एक टेक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर है। वैक्सीन के बाद दो बच्चों की मां जेनिफर ने मुस्कुराते हुए यही कहा कि अगर वो दुनिया को बचाने में मददगार साबित होती है तो ये उसके लिए एक गर्व की बात होगी। Everybody's feeling so helpless right now, and I realized that there was something that I could do to help, and I'm excited to be here. I hope that we get to a working vaccine quickly and that we can save lives. चीन में कोरोना वायरस का पता चलने के बाद से ही वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन को विकसित करने के लिए जी जान से लगे थे। कोरोना का अभी तक कोई टीका या दवाई नहीं मिल पाई थी। जिन लोगों को कोरोना के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन दी गई वो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थे। वैक्सीन के साइड इफेक्ट पता लगाने के लिए उन्हें इस रिसर्च में शामिल किया गया है। We are conducting the first test of the first vaccine against the new coronavirus that has made it this far to be eligible for testing in humans. So we're getting the first information possible about something that could potentially help in the future. अमेरिकी वैज्ञानिक इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर कर रहे हैं। इस परीक्षण के लिए 18 से 55 साल के 45 युवा वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है। इन पर 6 हफ्ते तक टीके के असर का अध्ययन किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कामयाबी के लिए अपने देश के डॉक्टर्स की तारीफ की है। पहले इस वैक्सीन का ट्रायल अप्रैल में होना था लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के बढ़ते आंकड़े सामने आए और तारीख में बदलाव करना पड़ा। अब वैज्ञानिक इस वैक्सीन के असर का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के सामने अब ये साबित करने की चुनौती है कि ये टीका सुरक्षित है और सफलतापूर्वक संक्रमण को रोक सकता है। हालांकि अगर ये परीक्षण सफल हो भी जाता है तो भी बाजार में वैक्सीन को आने में 12 से 18 महीने लगेंगे क्योंकि इस टीके का असर समझने में कई महीने लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।